अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी एंड विद आयशा। आज हम बना रहे हैं हलवा पूड़ी की रेसिपी। घर में बाज़ार जैसी शानदार हलवा पूड़ी कैसे बनाई जाती है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलें इस शानदार नाश्ते की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ मूव करते हैं। तो इसके लिए हमने 3 कप मैदा लिया, इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया। 1 टेबल स्पून हमारे पास है दही, दही कंडेंस होना चाहिए। 1 ग्लास हमने लिया नीम गर्म पानी और 1 टेबल स्पून हमारे पास है नमक। तो सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे। अब हम एक ट्रे में मैदा डालेंगे। यहाँ पे हमने नमक पानी और दही का घोल बनाया, जो हमने मिक्सचर सा बनाया उसको हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे हाथों से। इससे जो पूड़ी है वो बहुत फ्लफी बनती हैं। तो सारा मिक्सचर इसमें मिक्स कर दिया हमने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और इसे गूंथते जाएंगे जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। तो डो को हमने गूंथ लिया, इतना पानी जो है ग्लास में से वो बच गया, बाकी सारे इसमें यूज़ हो गया है। अब हम एक टॉवल लेंगे, उसे गीला करेंगे और इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 10 मिनट हो चुके हैं, जो हमारी डो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। मैं हमने पेड़े रखने से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, हाथों पे भी ऑयल ग्रीस करेंगे और यहाँ से पेड़ा लेंगे। हमारा बन गया, इसको हम रखते जाते हैं प्लेट में, बाकी भी हम ऐसे बना लेंगे। तो पेड़े हमारे बन गए, इसे हम 1 घंटे का स्टे देंगे। ऊपर हम इसके ऊपर कवर करके रख देंगे गीले टॉवल से। तो 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ, तब तक हम अपना हलवा तैयार कर लेते हैं। हलवा बनाने के लिए एक पैन में हम घी ऐड करेंगे। 1 कप घी ऐड किया है मैंने पैन में, इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म होने देंगे। तो घी गरम हमारा हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप सूजी के, मिक्स करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे सूजी की बुनाई करेंगे। जब तक सूजी की अच्छी सी स्मेल नहीं आने लग जाती और उसका कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे भूनेंगे। सूजी की अच्छी से खुशबू आने लगी और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। 2 कप हमने इसमें चीनी ऐड की है, मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को हम लो करेंगे, 4 ग्लास पानी ऐड करेंगे इसमें, मिक्स करेंगे। फ्लेम को अब हमने मीडियम टू लो कर दिया, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। हम सरसा चम्मच चलाते रहेंगे, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इसमें 1 टेबल स्पून किशमिश ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो ज़बरदस्त सा दानेदार हलवा हमारा बन गया, इसे हम बाद में क्रीम और बादाम के साथ गार्निश करेंगे। अब हम अपने पेड़े देख लेते हैं। 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसे बेलेंगे। इस पर हम ऑयल से थोड़ा ग्रीस करेंगे, पेड़े को हम इस पर रखेंगे। हाथों को भी हमने ऑयल से ग्रीस किया है, ऑयल से हम इसे ग्रीस करेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। को हमने बेल लिया है, बहुत पतली पूड़ी होनी चाहिए। अब हम इसे उठाएंगे और इसे कढ़ाई में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने खुला ऑयल लिया है, खुले ऑयल में हमने पूड़ियों को फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसमें पूड़ी ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसे एक साइड से पकाएंगे। तो पूड़ी हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे प्लेट में रखेंगे और बाकी की भी हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी हमारी हलवा पूड़ी तैयार है। हलवे को हम बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे। तो देखें कितनी फ्लफ़ी हमारी पूड़ी बनी है, ये मैंने आपको तोड़ के दिखाई है। आप इस मेथड से बनाएंगे तो बिल्कुल बाज़ार जैसी पूड़ी आपकी बनेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और इसे ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।